यहाँ पर देखो हमारे मुर्गियाँ किस तरीके से खुड़क बैठे, एक बार देखो, एक दो और ये तीन, इधर चार और ये वाली पांच, इसके बाद ये वाली कितने हो गए। तो यहाँ पर देखो हमारी प्यारी सी मुर्गी खुड़क बन गई। मैं जब स्टार्टिंग में रेजब क्या गलती करा था, सबसे बड़ी गलती, ये आप नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? स्टार्टिंग में हर भाई करता है, इसीलिए बता रहा हूँ आपको। जब हमारे पास आज ये मुर्गी खुड़क हो जाती, खुशी में आके भाई हमारे पास मुर्गी खुड़क बन गई, ये वाली प्योर खुड़क बन गई, इसको अंडों पर बिठा देंगे कहकर, इसको हम आज अंडों पर बिठा देते थे, 15 अंडे, 16 अंडे, 18 अंडे डालकर बिठा दिए, आज बिठा देते थे। एकवे दिन मतलब आज ये मुर्गी खुड़क होती लेके जाके खुशी में आके बिठा देते थे। उसके बाद दूसरे दिन क्या होता था, दूसरे दिन यहाँ पर देख सकते हो आप, फिर उसके अगले दिन क्या होता था, इस तरीके से और एक मुर्गी हमारे पास खुड़क बन जाती थी, फिर खुशी में आके भाई अंडे बिठाना, बच्चे निकलते बोल के इसको भी हम ले जाते, ले जाकर खुड़क बिठा देते। यानी कल एक मुर्गी खुड़क बिठा दिए, आज एक मुर्गी खुड़क बिठा दिए, तीसरे दिन क्या होता, तीसरे दिन में ऐसी एक प्योर ओरिजिनल अच्छे से खुड़क बन जाती थी तीसरे दिन, नहीं तो चौथे दिन। फिर हम खुशी में आके क्या करते थे, ये वाली मुर्गी के नीचे भी हम क्या करते थे, 18 अंडे या 16 अंडे डालकर हम खुड़क बिठा देते थे। चलो ये बहुत हुशार है, ये देखो ये प्योर खुड़क है। इस तरीके से खुड़क होते ही मुर्गियों को खुशी में आके क्या करना, हम अंडों पे बिठा देना। फिर दोबारा उसके अगले दिन ऐसा और एक मुर्गी खुड़क हो जाना, ऐसा कंटिन्यू हर एक दिन मुर्गी हमारे पास एक दिन छोड़ के एक दिन न तो खुड़क बन जाते थे। खुड़क बन गए के बाद हम वो मुर्गियों को ऐसा ले लेते थे, अंडों पे बिठा देते थे। अंडों पे बिठाए के बाद दिक्कत क्या आती थी, बच्चे बैठ जाते थे, बच्चे भी निकालते थे, क्योंकि हमारे पास प्योर ओरिजिनल देसी मुर्गी पालन ही करते हम, दूसरा नहीं। ऐसा प्योर खुड़क होते ही हम क्या करते, डायरेक्ट एक एक मुर्गी होते जाने, खुड़क होते जाने, उसको अंडों पे बिठा दे रहे थे, बच्चे भी निकाल रहे थे। बच्चे कैसा निकाल रहे थे, आज पहली बार हम ये मुर्गी को अंडों पे बिठाए थे ना, पहले दिन ये मुर्गी फर्स्ट आज अंडे निकाल, आज बच्चे निकाली, उसके दूसरे दिन ये वाली, फिर तीसरे दिन और एक मुर्गी, चौथे दिन और एक मुर्गी, ऐसा डेली एक एक मुर्गी बच्चों के साथ उड़ते जाना। कितने बच्चे निकालना, 14 बच्चे 15 बच्चे ऐसे निकालना। जब क्या हो रहा था हमारे पास, एक मुर्गी को इतना बड़ा पार्टीशन, 15 बच्चों के लिए इतना बड़ा पार्टीशन दे देना पड़ रहा था हमें, और दूसरी मुर्गी को इस तरीके का पार्टीशन, और तीसरी मुर्गी के लिए, चौथी मुर्गी के लिए पूरे पार्टीशन बनाना पड़ रहा था। यानी सिर्फ 15 बच्चों के लिए इतनी बड़ी जगह और पार्टीशन देना पड़ रहा था। नहीं तो एक हमारा एक फार्म जैसे हॉल के टाइप में फार्म था, तो वहाँ पे क्या हुआ है, ऐसे हर दिन एक एक मुर्गी बच्चे निकालते रहे, तो 4-5 दिन कंटिन्यू, 4-5 दिन रोज एक एक मुर्गी बच्चे निकालते रहे, तो हम उसको क्या कर रहे थे, फार्म में छोड़कर खुले में छोड़ दे रहे थे। खुले में छोड़ दिए तो क्या हो रहा था, एक मुर्गी का बच्चा दूसरी मुर्गी के पास जाते ही उसको भोग भोग कर मुर्गी मार दे रही थी बच्चे को, ये प्रॉब्लम आ जा रही थी। ये प्रॉब्लम हर किसी को आएगी जो स्टार्टिंग में भाई रहते वो भाइयों को। फिर हम ये प्रॉब्लम से कैसे निकले, चलो बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों दो तरीके होते हैं इस प्रॉब्लम से निकलने का। सबसे पहले आप मुर्गियों को अंडों को नहीं बिठाए, जैसे इस तरीके का एक सिंपल 1500-1800 में इंक्यूबेटर मिल जाता है आपको, ऑनलाइन मंगा ले सकते हैं। ऐसा इंक्यूबेटर ला लेके अंडे इंक्यूबेटर में डालना, 21 डे बाद बच्चे निकलेंगे। किस तरीके से निकलेंगे, ऐसे बच्चे निकलेंगे। यहाँ पर मेरी आवाज़ सुन के डर गए, ये देखो छोटे छोटे से मासूम से इस तरीके से बच्चे निकले। जब सिंपल एक बर्फ़ लगा देना, बर्फ़ के नीचे गर्मी मिलेगी उनको, ऐसे रहेंगे धीरे धीरे कर कर, ये बड़े होते रहेंगे इस तरीके से। यहाँ पर देखो ये कितने बड़े हो गए, माशाल्लाह परफेक्ट है, धुमा सब कुछ, पंख इनके देखो अच्छे रहेंगे। तो यहाँ पे हमको कम जगह में रहता, इसीलिए खासो पूरा ग्रोथ में यूज़ होता उनको, नहीं तो फ्री रेंज में दूर दूर तक जाएंगे तो क्या होगा, वो खाए से वो घूमने में ही हजम हो जाएगा। तो इसीलिए नज़दीक रहेंगे यहाँ पे, जल्दी ग्रोथ भी आएगी चूज़ों को और मोर्टैलिटी भी बहुत कम रहती, क्योंकि उनको गर्म अच्छे से गर्मी मिलेगी इसमें। तो यहाँ पर इस तरीके से संभाल सकते हैं, पहला तरीका है। और दूसरा तरीका आपको फार्म के पास लेके चल के बताता हूँ। दोस्तों अभी दूसरा तरीका दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखो हमारे मुर्गियाँ किस तरीके से खुड़क बैठे, एक बार देखो, एक दो और ये तीन, इधर चार और ये वाली पांच, इसको गंदे अंडे है, चेंज करना है, आदत होने के लिए ऐसा रखे। उसके बाद ये वाली कितने हो गए टोटल, एक दो और ये तीन, ये चार
ये पांच, ये छः, ये सात, सात मुर्गियों को एट ए टाइम एक ही टाइम पे बिठाए हैं, तो क्या होगा, सबके चूजे एक ही बार निकलेंगे, एक ही बार निकलेंगे तो सात मुर्गियों के चूजों को, दो मुर्गियों को या एक मुर्गी को, मान लो अभी सात मुर्गियां आपके पास, गर्मी का मौसम है तो दस दस चूजे भी निकाले ना, तो सात मुर्गियों के कितने हो जाते हैं, सत्तर मुर्गी, सत्तर चूजे हो जाते हैं। वो सत्तर चूजे को एक अच्छी सी बड़ी वाली मुर्गी को, यहाँ पर देखो ये हमारी बड़ी वाली मुर्गी है, मस्त अच्छी सी मुर्गी है, ये देखो ऐसे की मुर्गी को अपन सेलेक्ट करके दे दिए ना, आराम से सत्तर चूजों को संभाल लेगी वो चूजों के पास भी लेके चलता हूँ मैं आपको। बस ये टेक्निक करेंगे ना अपन, क्या होगा, सात मुर्गियों को, सात मुर्गियों के चूजों को सात मुर्गियों के साथ छोड़ दियो तो क्या होता, सात पार्टीशंस बनाना पड़ता। अभी देखो एक मुर्गी के साथ इधर एक पार्टीशन और उधर एक पार्टीशन, इधर एक पार्टीशन, कितने मुर्गे बनाएंगे। तो इसीलिए अगर 76 को एक मुर्गी के साथ बिठाएंगे, रखेंगे अपन, तो सिर्फ एक पार्टीशन में आ जाएंगे वो सारे। अगर मुर्गियां साथ हैं उनके साथ तो सात पार्टीशंस बनाना पड़ता मेरे भाई ने, तो सात कमरे देना पड़ता उनको। फिर एक मुर्गी के साथ 60 या 70 चूजे देने के लिए हम क्या करना पड़ता, ऐसा 5-6 मुर्गियों को एक बार बिठाना पड़ता। अगर सर्दियों का मौसम है तो क्या होगा, आप 5 मुर्गियों को बिठाए तो ही 70 के करीब चूजे निकल जाएंगे। तो ऐसा चलो अभी देखो इतने चूजे यहाँ पर, कितने चूजे दिख रहे हैं, 30 चूजे दिख रहे हैं आपको, 30 चूजे, दो मुर्गियों को बिठाए थे हम, हाँ 15-15 16-16 चूजे निकाले, तो दो मुर्गियों के चूजों को एक मुर्गी को दे दिए। ये वाली अंडे दे रही है दोस्त, इसीलिए बच्चों को पास में नहीं आने दे रही है, लगभग 2 महीने के खरीद के चूजे हो गई है। तो ऐसे हम संभालते, मास्क क्यों लगाया हूँ बोले तो, एक 8 दिन से बुखार जाने का नाम नहीं ले रही यार, 15 दिन पहले बुखार आई, फिर कम हुई, फिर स्टार्ट हो गई वो, तो इसीलिए थोड़ा सा मास्क लगाया हूँ। चलो इनको अभी हम क्या करते हैं, उधर साइड से करते हैं, साइड के पार्टीशन पर, साइड के पार्टीशन में पानी डाला है, चलो हगाल तो देंगे इनको जल्दी जल्दी से। देखो मेरे भाई ये वाले पार्टीशन में ना 30 चूजों को ये मुर्गी के साथ रखे हैं, यानी अभी अंडे देना चालू कर रही है ये, अंडा आ रहा है उसको, इसीलिए चूजों को मार रही है, यानी अंडा जब देना चालू करते हैं मुर्गियाँ तो चूजों को दूर करते हैं। तो ये इतना बड़ा पार्टीशन हमें क्या करना पड़ रहा, एक मुर्गी के साथ 30 चूजों को देना पड़ रहा, वही मान लो अपने पास इसमें और एक मुर्गी को ला के डाल दो, क्या होगा, चूजों के साथ और एक मुर्गी को, ये मुर्गी वो चूजों को मार देगी, वो वाली मुर्गी इसके चूजों को मार देगी, इसीलिए एक कमरे में दो बच्चे वाले मुर्गियों को नहीं रख सकते हम, इसीलिए चूजों को बड़ा करना, मतलब चूजों को, ज्यादा चूजों को एक मुर्गी के साथ रखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे कमरे कितने मोल के मुर्गियों को देते यार, सोचो आप एक मुर्गी के साथ 30-30 चूजों को एक एक कमरा देते जाएंगे ना, पूरा कमरे बना देना पड़ता। तो अभी तो हमारे पास एक बैच इधर है, इसके लिए पानी ऐसा दे देते यहाँ पे फ्रेश पानी, वहाँ पे स्टार्टर फीड दे दे रहे हैं इनको, ग्रोवर चालू करना है इनको। तो अभी बाहर चलते हैं, बाहर चल के और भी दूसरे पार्टीशंस बता देता हूँ मैं आपको। चलो और यहाँ पर बाहर क्या करें हम, कि फ्री रेंज में घास क्यों डालें, फीड कॉस्ट कम आने के लिए। हाँ उधर भी है यार, और ये पार्टीशन में चलते, इसमें हमारे बड़े अंडे देने वाले मुर्गियाँ हैं, तो अंदर चलते हैं अभी, डोर ऐसा रहेगा, ये देखो, हाँ ये देखो एकदम लेवल पे नहीं है, अभी रखे ये पानी पूरा गिर गया, खत्म। हाँ भाई कितने बार बोलता हूँ लेवल पे रखना, रख के भी कोई फायदा नहीं है ये। चलो ऐसा यहाँ पे रहेंगे ये, चलो चूजे थोड़ा कमजोर दिख रहे हैं हमारे पास, स्टार्टर नहीं रह के बहुत दिन हो रहा है, चूजे थोड़ा लाइट डल डल नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो
ये चीज़ों को जल्दी से अलग करके हमें स्टार्टर फीड देना पड़ेगा, स्टार्टर नहीं तो ग्रोवर, नहीं तो ना मेरे भाई चूज़े ऐसी कमज़ोर हो जाकर मोर्टालिटी हो जाएगी उनकी। जब फीड का दिक्कत आएगा हमारे पास, स्टार्टर या ग्रोवर छोड़कर दूसरा हम देने लगेंगे, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, सिस्टमेटिक नहीं आ रहा जी। एक आप में से जो भी भाई वर्क करना चाह रहे हैं, उसके साथ फार्मिंग सीखना चाह रहे हैं, तो कमेंट करके बताइए भाई, हम आपके फार्म पे आएंगे, सीखेंगे, मेहनत भी करेंगे, आपको अमाउंट भी दूंगा, बस अच्छी तरीके से मेहनत कर लेना है, आराम से सीख भी जाओगे आप, ट्रेनिंग होगी, बस दिल लगा के करने वाले चाहिए यार, उतना ही। चलो अभी दूसरे पोजीशंस में चलते हैं हम। उसके बाद देखो मेरे भाई, यहाँ पर एक कमरा है हमारा, इस तरीके का पूरा एक कमरा, इसको क्या करें हम, चार पोजीशंस कर दिए, बीच में एक टीन इधर मार दिए, उधर का एक पोजीशन हो गया और इधर का एक पोजीशन हो गया। हाँ भाई देखो, ये वाली मुर्गी ना 50 चूज़ों को संभाल रही है, उसके बाद इधर वाली मुर्गी यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये वाली मुर्गी भी 50 के करीब चूज़ों को संभाल रही है, इधर एक, ये वाली दूसरी, और इधर साइड भी है हमारे पास, ये देखो इधर साइड एक, इसके अगले साइड उधर साइड भी एक मुर्गी है। टोटल ऐसे यहाँ पर चूज़े हैं दोस्त, खाली चूज़े, हम 30 चूज़ों को रखे हैं, मदर छोड़ दी है इनकी। तो इस तरीके से हम पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। अगर से किस मुर्गी के बच्चे उसी मुर्गी को देंगे ना, ऐसे पोटिशंस अपन को बस नहीं होंगे। अगर हॉल टाइप है अपना फार्म, एक ही रूम है बड़ा, तो उसमें आप 2 से 3 मुर्गियों को नहीं छोड़ सकते, बच्चे वाले मुर्गियों को, एक दूसरे के बच्चे को भोंक कर मार देंगे, तो ये दिक्कत आएगी। चलो मेरे भाई, अभी तो हो गया फार्म पे पूरे बच्चों को, मुर्गियों को दिखा दिया हूँ, और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको समझा दिया हूँ। इस टॉपिक के लिए कई की उम्मीद रहेगी, सिर्फ आपके लाइक की उम्मीद रहेगी यार, आपके प्यार के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। कमेंट बॉक्स में आपके दुआएं ज़रूर मिलेंगी कहकर पूरी उम्मीद है। चलो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बस वो वीडियोस आने के लिए आपको सब्सक्राइब कर लेकर बेल आइकन दबाकर ऑल कर दिए तो बस है। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।